और पीता है, और जब हम हमारे हाथ, अरे देखना कितना घर में भरी, कितना घर में लोग क्या कैसे इसको किराए से देते हैं और हमको भगाया, मेरे को तलाक दिया और भगाया, और ये दारू, ये कितने बार दारू भर भर के दद्दा झन को लाते हैं पिलाता है, क्या करूँ, मेरे बच्चों का हक भी दे रहा है ना, मुझे खाना खर्चा ना बर्तन भाड़े देता, और अभी मेरे को भगा दिया। जब मैंने हेल्पलाइन शबनम शेख के पास फोन लगाई, उन्होंने बोला कि आप जाके कंप्लेंट डालो, क्योंकि कंप्लेंट भी नहीं ले रहे थे, उनकी सुनवाई से मेरी कंप्लेंट हुई, और मोगट के थाने वाले बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं लेते, बिल्कुल भी, हम औरतें रो के आ जाती है, और उसमें कुछ बड़े हैं पुराने लोग, वो खाली कहते हैं हम पैसा देकर हमको छुड़ा लेंगे। और मेरी तो कोई भी आपसे निवेदन है शबनम शेख कि आप मेरी वीडियो देखें और मेरे केस में थोड़ा थोड़ा भी तो थोड़ा गुंजाइश करो कि मेरे को छत हो जाए, और बच्चों को हम भूखे मारे, हमारे को कोई खाने नहीं दिया, वो कितना खा रहा है, ये मुर्गे मसाले खाता है। अभी आज मैंने FIR दर्ज कराई, अब भी पुलिस उसको पकड़ के ले गई है, और ये अभी चार अशफाक है, जाकिर है, तीन चार से दो से रोज उसको लाता है और ऐसे खिलवाता है, और मेरे को कहता निकल, और मेरे को दो साल से इस व्यक्ति ने मेरे को परेशान किया, और तो और ही मैंने आज कंप्लेंट भी लिखाई हूँ, तब जाके पुलिस ने आज उसको गिरफ्तार किया, पकड़ा है, और ये मेरे को इसमें तलाक के कागज भी मेरे को उसने दिया। बताओ क्या चाहिए कागज? ये शबनम शेख देखे, और मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं है, इसलिए शबनम शेख के तो वहाँ फोन लगाया था, तो उनके हेल्प से मुझे पुलिस ने आज उसको पकड़ी है, दो साल में आज पहली बार ये मेरे को तलाक के कागज दे रखा है, ये सब इसमें रखा है कि अफसाना को मैंने तलाक दिया, और कोई सब तो मैं भी नहीं रहना चाहती, और मुझे दारू बोलता है पी, मैं तो इस पर साइन कर दारू पी, इसलिए मेरे अल्लाह का वास्ता दे देते, बोलता है ऐसे बदबख्त में रहना नहीं चाहती, मेरे बच्चों का मुझे खाना खर्चा चाहिए और इंसाफ चाहिए, और ये भी FIR मैंने, ये आज की FIR है, ये आज उन्होंने कंप्लेंट लिखी है, और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी कंप्लेंट दर्ज कराई थी पर कुछ नहीं हुआ, मैंने कोर्ट में भी अपील की थी, दो साल तक, एक साल चला मेरा केस, पर उसने बोला आखिरी बार मौका देते सुधर जाऊंगा, मैंने एक बार औरत तो समझौता करती है, पर उसने फिर भी मेरे को तलाक दे दिया लिख के। देखो ये भी मेरे पहले के FIR है, और शबनम शेख से विनती है कि आप मेरी हेल्प करो, अल्लाह के वास्ते मेरी हेल्प करो, क्योंकि कोई रिश्तेदार कोई मेरी हेल्प के लिए नहीं आता है, आपसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता है, और ये मेरा बच्चा है, और छोटा बच्चा मेरी अम्मी के घर है, और बता बेटा पापा क्या करते, क्या करते बेटा बताओ, बेटा दारू देखो इतनी दारू, बता ना कि हमको बाहर भगाते हैं, हमको दारू पिलवाते हैं, मेरी मम्मी को भी बता, डरे मत, जल्दी बोल, बोलते जाए। वो शबनम शेख के पास जाए, क्या करते तेरे पापा, क्योंकि वो अपनी हेल्प कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, क्या करते बता, दारू पीते, और क्या करते, और क्या क्या करते, भगाते मारते कुछ नहीं देता, भगाते मारते, और मेरे को कहता है ये दो बच्चे भी मेरे नहीं है, मैं इनका DNA करवाऊंगा, मेरे को ऐसा बोलता है, नहीं तू किसी और के पास सो के तू रंडी है तो छिना ले, बस बार बार ये यही ताने देता है, तो मैं इसके साथ ये दारू ऐसा बैठ के लड़कों को लाता और मुझे भी बोलता तू पी, अब मैं तो नहीं पी सकती दारू, पर मैं इसके साथ रहना भी चाहती, मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरा खाना खर्चा मेरे को छत चाहिए, क्योंकि इसने पूरी प्रॉपर्टी जुआ सबको लाके सब लड़कियों को भी लाता है, एक फोटो वो भी भिजाऊंगी मैं आपके पास शबनम शेख, क्योंकि लड़कियों को भी लाता है, कहता मैं इससे शादी करे मैं उससे, पर खंडवा की पुलिस बिल्कुल कुछ नहीं करती, इसलिए आप कार्रवाई करो, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी सुनवाई अब हुई पुलिस के, वो क्योंकि मैंने शबनम शेख के पास फोन लगाया उनके हेल्पलाइन पे, उन्होंने वहां पर बोले कि आप जाके इनकी हेल्प करो, तो आज वो आज उसको ले गए, दो साल में आज पहली बार वो थाने में गया है, तो ये कारनामे के साथ पकड़ाया, क्योंकि मैं सामान मांग रही थी, उसने मुझे फिर भी भगा दिया, चल निकल तेरे बाप का सामान नहीं दूंगा, क्या क्या सामान है देखा यार। मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।